चैनल फैशन का तड़का। आई एम शिखा अग्रवाल एंड आई होप ऑल माय व्यूअर्स आर हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। सो टुडे वीडियो इज आल्सो अ मेकअप ट्यूटोरियल गाइस, एंड लॉट्स ऑफ फेस्टिवल्स आर कमिंग टू बी हेल्ड। नेक्स्ट मंथ इज अ मंथ ऑफ टोटली लॉट्स ऑफ फेस्टिवल्स। हियर आई एम मेकिंग अ मेकअप ट्यूटोरियल ऑफ अ वेरी ब्यूटिफुल फेस्टिवल, करवा चौथ, एंड आई होप यू ऑल गाइस like my makeup tutorial, and if you really liking my video, if you really were testing on in watching my video, so don't forget to like, share and come give a beautiful comment, give me your full support by liking, by sharing and by subscribing my channel. Thank you for that. So not wasting much time, let's start video. यहाँ पे मैंने फेस वॉश करके ऑलरेडी बैठी हुई हूँ और अब मैं यहाँ पर टोनर का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ नैपट्यून का, जो कि बहुत ही ऑर्गेनिक फेस टोनर है। तो ये नैपट्यून का है, प्योर अरेबिक मोंगरा वाटर है, जो कि बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है और बहुत ही कूल फीलिंग कूल कर देता है, आपकी स्किन को काम डाउन कर देता है। इस टोनर को कभी भी यूज़ कर सकते हैं आप, जब मेकअप करने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं और आप ऐसे ही फेस वॉश करने के बाद भी इसको अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपकी कोई भी इरिटेशन हो रही है चेहरे पर, किसी भी तरह की जलन हो रही है, तो आप इस टोनर को यूज़ कर लीजिए और आप फिर देखिए कि कितना आपको अच्छा लगेगा। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्वीट ब्यूटी का गोल्ड सीरम, ग्लोइंग हाइड्रेटिंग एंटी एजिंग सीरम है ये, फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ब्यूटी फेस सीरम, नाउ आई एम यूजिंग बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो मॉर्निंग नेचर विदिन फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइजर फॉर ऑल स्किन टाइप्स। जो मेरी स्किन है वो बहुत ज्यादा ड्राई है, तो उसी में ये अच्छा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। अगर गाइज आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो आप डेफिनेटली जेल मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शुगर का प्राइम सलम एंड एजिंग प्राइम। आपको इस प्राइमर को ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, थोड़े से बहुत ज़्यादा अच्छे से फैल जाएगा। पर जो है प्राइमर अप्लाई कर लिया है गाइस। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी शुगर का यहाँ पे स्टिक फाउंडेशन, और ये एक एस ऑफ फेस फाउंडेशन स्टिक है और मेरा शेड है यहाँ पे 07 वेनिला लेट। तो मैं यहाँ पर शुगर का ड्यूई सेटिंग मिस्ट अप्लाई करूँगी। फाउंडेशन को ब्लेंडर से सेट कर लिया है और अब मैं अप्लाई करूंगी यहाँ पे कंसीलर। तो मैं यहाँ पे मी ऑन का फिक्स इट कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, मेरा शेड है 04। तो मेरे जहाँ पे मेरे
थोड़े से डार्क सर्कल हैं, तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये वाला थोड़ा सा पीची टोन का कंसीलर अप्लाई करूँगी ताकि मेरे डार्क सर्कल्स हैं वो लाइट हो जाए। आप देखिए मेरे जो डार्क सर्कल्स थे एज अ करेक्टर यूज किया है क्योंकि ये थोड़ा सा पीची शेड में था, और ये आप देखिए मेरे कितने लाइट हो गए हैं, मतलब डार्क सर्कल नजर ही नहीं आ रहे हैं, ब्लर हो गए। मैं यहाँ पे जो है आईब्रो सेट करूंगी, यहाँ पे मैं कलर स्टॉक की ब्राउ फिक्स पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। को डिफाइन कर लिया है, यहाँ पे हम हाफ एंड हाफ का मैजिक स्टिक का ये डुअल स्टिक है जिसमें हाइलाइटर भी है और ये एज अ कॉन्टूरिंग भी आप इससे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगी और ये एक वाइट शेड है। एक ग्लो आ जाता है आपके फेस पर हाइलाइटर यूज करने से, और जो जो पॉइंट्स को आप दिखाना चाहते हो, हाईलाइट करना चाहते हो, तो वही चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट होती है। आप खुद देख सकते हैं मेरा फेस जो है कितना हाईलाइटर अप्लाई कर लिया है। और यहाँ पे यूज कर रही हूँ ऑल सेट टू गो ट्रांसलूसेंट पाउडर ऑफ शुगर, और ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है और एक शाइनिंग सी क्रिएट कर देगा, आपके मेकअप को उभारेगा। ट्रांसलूसेंट पाउडर को हमेशा कुछ किसी स्पेशल ऑकेजन में आप अप्लाई कर सकते हो। यू अप्लाई ट्रांसलूसेंट पाउडर इन एनी पार्टी, ऑन द एनी स्पेशल ऑकेजन, फेस्टिवल्स, उसमें आप कुछ अपने आप को कुछ अलग हटके अगर आप मेकअप चाहते हो तो यू डेफिनेटली गाइस अप्लाई दिस प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट टू ग्लो योर मेकअप, एंड सो डेफिनेटली अप्लाई दिस ट्रांसलूसेंट। वेट होने देते हैं, 1 मिनट का वेट करते हैं जब तक हम अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जो कि मैं अपने सारी वीडियोस में यूज़ करती हूँ आई मेकअप करने के लिए, ये है मार्स की पैलेट आई स्कैन किल, और इसमें बहुत सारे शेड्स हैं। ये अफोर्डेबल पैलेट है, कोई भी इसको ले सकता है, इजीली अफोर्डेबल है, बजट में आ जाए, अफोर्डेबल है, वर्थ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैट शेड्स हैं, शिमर शेड्स हैं, ग्लिटरी शेड्स हैं, डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो। बहुत ही प्यारे प्यारे मेटलिक शिमर शेड्स हैं, तो डेफिनेटली यू गाइस चेक आउट दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, और मार्स के आप साइट पे जाके ले सकते हो। बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, पहले टाइम जिस तरह का आउटफिट पहन रखा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना आई मेकअप भी करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जनता कलर की साड़ी पहनी हुई है, मैं पिंक शेड अप्लाई करूँगी। सेटिंग पाउडर अप्लाई किया था उसको मैं हटाऊंगी, डस्ट ऑफ करूंगी। यहाँ शेड अप्लाई कर लिया, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऑरेंज शेड अप्लाई करा है अपर साइड में पिंक के ऊपर, थोड़ा सा मेरी जो आईज है वो भर गए हैं इस वजह से। तो मैं यहाँ पे पाउडर शिमर शेड अप्लाई कर रही हूँ जो गोल्डन कलर है।
शुगर का काजल अप्लाई करेंगे और ये एक वेट ब्लैक काजल है और स्मच फ्री है और वाटर प्रूफ है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ स्मोकी इफेक्ट भी दूंगी, तो मैं यहाँ इस काजल को आईलाइनर की तरह यूज करूंगी। काजल लगाया, मैं इसको थोड़ा सा स्मच कर लेंगे ब्रश की हेल्प से। अपर आईलैश पर जो काजल अप्लाई किया था शुगर का, उसको स्मच कर लिया है ताकि थोड़ा सा मैं स्मोकी इफेक्ट लाना चाह रही थी अपनी आईज पर। तो मैंने यहाँ स्मजिंग करी है अच्छे से और मैंने नीचे लोअर लैश लाइन पर भी स्मजिंग करी, शेड अप्लाई किया, वही मैं लोअर आई बॉल पर भी शेड अप्लाई करूँगी। ये भी पिंक शेड ही है। चाहती थी बहुत ध्यान से आपको स्मजिंग करनी है क्योंकि अगर जरा सा भी गड़बड़ हो गई तो पूरा मेकअप जो है, आई मेकअप है, वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि स्मजिंग करना ना था जो है ब्लशिंग करूँगी। मैं यहाँ पे शुगर का फेस पैलेट यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैं कॉन्चूरिंग भी कर सकते हो आप, इसमें हाइलाइटर भी दे रखा है एक इसमें और ब्लशिंग भी कर सकते हो। की है अपने फेस पर, अपने फेस को इसकी स्कल्पचिंग की है थ्रू ब्राउनजिंग से। तो ये मैंने यहाँ पे पाउडर ब्राउनजिंग की है ताकि मेरी जॉ लाइन थोड़ी सी पतली लगे। तो यहाँ पे मैं हाइलाइटर जो है अपनी ब्रो बोन एरिया पे भी अप्लाई करूँगी थोड़ी शाइन। मुझे हाइलाइटर लाइक बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे एक अलग ही तरह का जो है आपके फेस पर ग्लो आता है, जैसे कि हम मेकअप करते हैं। तो मेरा मेकअप लगभग पूरा हो गया था। मुझे शुगर की शुगर मिनीज जो बहुत ही प्यारे स्वैचेस हैं, ये फोर इसमें फोर लिपस्टिक लिक्विड लिपस्टिक आई थी और अलग अलग शेड्स की हैं, ये तरीके से फोर शेड्स में मिनी स्वैचेस आई थी। तो मेरा शेड है पिंक, कैरी कर रखा है तो ये शेड अच्छा है। मेरा शेड 07 रिथिंग पिंक। गाइस मैं ज़्यादातर लाइट शेड अप्लाई करना पसंद करती हूँ लेकिन ये एक फेस्टिवल मेकअप ट्यूटोरियल, स्पेशली एक करवा चौथ मेकअप ट्यूटोरियल है तो इसमें थोड़ा सा मेकअप डार्क ही मैंने रखा है। नाइट शुगर की मैंने अप्लाई की है, स्वैचेस हैं ये शुगर के। इसकी खास बात ये है कि ये आप बिल्कुल ही आप स्मच प्रूफ है, लंबे टाइम के लिए आप रहते हैं आपके लिप्स पे, आप कुछ भी खाएंगे पियेंगे ना तो आपकी जो लिपस्टिक है वो जैसे आपने अप्लाई की वैसे ही रहेगी, हटेगी नहीं। और वाटर भी पियेंगे ज़्यादा इसकी खास बात ये है कि ये हटता नहीं है, आपकी लिप्स पे बनी रहती है। एंड फॉर लॉन्ग ड्यूरेबल इफ यू गो इन एनी एंड पार्टी this is really a very amazing lipsticks, you definitely check out from Sugar. बिल्कुल अच्छी लिपस्टिक है और देखिए बिल्कुल भी ये मेरे हाथ पर नहीं आया, बिल्कुल लिपस्टिक है स्पेशली गुड फॉर वेरी गुड फॉर फेस्टिवल्स ऑफ एनी काइंड ऑफ
occasion, you must carry, must apply this beautiful lipstick on your lips for and long durable के time के लिए बहुत अच्छी है. अब आप देखेंगे. So guys, this is my final look, and I hope you like my this look. And if you really interesting watching my video, you really like my video, so definitely guys, आप एक प्यारा प्यारा लाइक कर सकते हैं, प्यारा प्यारा कॉमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो, और मुझे सपोर्ट कीजिए. कीप सपोर्टिंग मी गाइज, आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है. और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छा मेकअप करूँ, बाकी आप मेरे व्यूअर्स पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कैसा लगता है. और आई होप फॉर द बेस्ट एंड गाइज, तो मेरा ये लुक है, आई होप अच्छा लगे आप लोगों को. गजरा भी लगा रखा है बहुत ही जल्दी से, मतलब गर्जना है कैसी चीज़ है, आप बस अपना कोई झूला बनाओ अगर आप जल्दी में हो, और जल्दी से गजरा लगा लो तो बस आपका एक स्पेशल फेस्टिवल लुक क्रिएट हो जाता है. नए वीडियो के साथ, एक नए मेकअप वीडियो के साथ और फेस्टिवल मेकअप वीडियो के साथ आऊँगी मैं. और तब तक के लिए आप वेट कीजिए गाइस, बने रहिए मेरे चैनल पे गाइस, और चिल बाय बाय फॉर द नेक्स्ट.